नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको इसका पहला पार्ट अच्छा लगा था। कविता क्या है निबंध का दूसरा भाग लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। उसके सामने सभी कमेंट करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे सारे व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को थैंक यू। एक बात और कहना चाहूँगी कि वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। श्रुति सुखदत्ता, कविता की बोली और साधारण बोली में बड़ा अंतर है। सुष्को वृक्षिष्ठ त्यग्रे और नीरस तरूरी विलसति पुरताह वाली कहावतें हमारी पंडित मंडली में बहुत दिनों से चली आती हैं। भाव सौंदर्य और नाद सौंदर्य दोनों के संयोग से कविता की सृष्टि होती है। श्रुति कटु मानकर कुछ अक्षरों का परित्याग, व्रत विधान और अनित्यानुप्रास का बंधन इसी नाद सौंदर्य को निभाने के लिए। बिना इसके कविता करना अथवा केवल इसी को सर्वस्व मानकर कविता करने का की कोशिश करना निष्फल है। मतलब ना तो नाद सौंदर्य को एकदम अलग परित्याग किया जा सकता है और ना इसी को सर्वस्व माना जाता है। क्यों? नाद सौंदर्य के साथ साथ भाव सौंदर्य भी होना चाहिए। हिंदी के कुछ पुराने कवि इसी नाद सौंदर्य के इतना पीछे पड़ गए हैं कि उनकी अधिकांश कविता विकृत और प्रायः भाव शून्य हो गई है। आप मेरे साथ में हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का पढ़ रहे हैं तो उन्होंने स्थान स्थान पर इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपको पता भी चलेगा कि कहाँ कहाँ किस कवि ने क्या अपनी कविताओं में कमी रखी है। यह देखकर आजकल के कुछ समालोचक इतना चिढ़ गए हैं कि ऐसी कविता को एकदम बाहर करना चाहते हैं। किसी को अनित्यानुप्रास का बंधन खलता है तो कोई गणात्मक छंदों को देखकर नाक भौं चढ़ाता है, कोई फारसी के मुखम्मस और रुबाई की ओर झुकता है। हमारी छंदो रचना तक की कोई कोई अवहेलना करते हैं। वह छंदो रचना जिसके माधुर्य को भूमंडल के किसी देश का छंद शास्त्र नहीं पा सकता और जो हमारी श्रुति सुखदा के स्वाभाविक प्रेम के सर्वथा अनुकूल है। जो लोग अनित्यानुप्रास की बिल्कुल आवश्यकता नहीं समझते उनसे मुझे यही पूछना है कि अनित्यानुप्रास पर ही इतना क्रोध क्यों? छंद और तुक दोनों ही नाद सौंदर्य के उद्देश्य से रखे गए हैं, फिर क्यों एक निकाला जाए दूसरा नहीं? यदि कहा जाए कि सिर्फ छंद से ही इस उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है तो यह जानने की इच्छा बनी रहती है कि क्या कविता के लिए नाद सौंदर्य की कोई सीमा नियत है। यदि किसी कविता में भाव सौंदर्य के साथ नाद सौंदर्य भी वर्तमान हो तो वह और अधिक ओजस्वनी और चिर स्थायिनी होगी। नाद सौंदर्य कविता के स्थायित्व का वर्धक है। उसके बल से कविता ग्रंथाश्रय विहीन होने पर भी किसी न किसी अंश में लोगों की जिभ्या पर बनी रहती है। अतएव इस नाद सौंदर्य को केवल बंधन ही नहीं समझना चाहिए, यह कविता की आत्मा नहीं तो शरीर अवश्य है। यहाँ पे देखिए दो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक ये, यदि किसी कविता में भाव सौंदर्य के साथ नाद सौंदर्य भी वर्तमान हो तो वह और अधिक ओजस्विनी और चिरस्थायिनी होगी। ठीक है, यहाँ से ये पूरा ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाद सौंदर्य कविता के स्थायित्व का वर्धक है। उसके बल से कविता ग्रंथाश्रय होने विहीन होने पर भी किसी ना किसी अंश में लोगों की जिभ्या पर बनी रहती है। अतएव इस नाद सौंदर्य को केवल बंधन ही नहीं समझना चाहिए, ये कविता की आत्मा नहीं तो शरीर अवश्य है। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी नाद सौंदर्य की महत्वता बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भाव सौंदर्य के साथ यदि नाद सौंदर्य भी कविता में होगा तो वो और अधिक स्थायी होगी, यानी कविता में दोनों का संतुलन आवश्यक है।
नाच सौंदर्य संबंधी नियमों की गणित क्रिया के समान काम लाने से हमारी कविता में कहीं कहीं बड़ी विलक्षणता आ गई है। श्रुतिकट वर्णों का निर्देश इसलिए नहीं किया गया कि जितने अक्षर श्रवण कटु हैं वह एकदम त्याज्य समझे जाएं और उनकी जगह पर श्रवण सुखद वर्ण ढूंढ ढूंढ कर रखे जाएं। इस नियम निर्देशन का मतलब सिर्फ इतना है कि यदि मधुराक्षर वाले शब्द मिल सके तो बिना तोड़ मरोड़ के प्रसंगानुसार खप सके तो उनके स्थान पर श्रुति कर्कश शब्द अक्षर वाले शब्द ना लाए जाए। अर्थात अगर श्रुति कटुत्व जो हमें सुनने में खराब लगते हैं ऐसे शब्दों के ऐसे वर्णों के स्थान पर यदि सहजता से बिना तोड़े मरोड़े मधुर अक्षर मिल सकते हैं तो उनका प्रयोग किया जाए, तब श्रुति कर्कश अर्थात सुनने में जो खराब लगते हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। संस्कृत से संबंध रखने वाली भाषाओं में इस नाद सौंदर्य का निर्वाह अधिकता से हो सकता है। अतः अंग्रेजी आदि अन्य भाषाओं की देखा देखी जिनमें इसके लिए जगह कम है वे अपनी कविता को भी हमें इस विशेषता से वंचित कर देना बुद्धिमानी का काम नहीं है। पर याद रहे सिर्फ श्रुति मधुर अक्षरों के पीछे दीवाने रहना और कविता को अन्यान्य गुणों से विभूषित ना करना सबसे बड़ा दोष है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ इसको। इस निबंध की ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। यहाँ पर सबसे बड़ा दोष बताया गया है कविता का, श्रुति मधुर अक्षरों के पीछे दीवाने रहना और कविता के अन्यान्य गुणों से भूषित ना करना, ये कविता का सबसे बड़ा दोष है। और एक और विशेषता हमारी कविता में है वह यह है कि कहीं कहीं व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूप गुण या कार्य बोधक शब्दों का व्यवहार किया जाता है। पद्य के नपे हुए चरणों में खपाने के लिए शब्दों की संख्या का बढ़ाना ही इसके प्रयोजन जान पड़ता है। पर इसका विचार करने से इसका इससे भी गुरुतर उद्देश्य प्रकट होता है। सच पूछिए तो यह बात कृत्रिमता बचाने के लिए की जाती है। मनुष्य के नाम यथार्थ से कृत्रिम संकेत हैं जिससे कविता की परिपोषकता नहीं होती। अतएव कवि मनुष्यों के नाम के स्थान पर कभी कभी उनके ऐसे रूप गुण या व्यापार की ओर इशारा करता है जो स्वाभाविक होने के कारण सुनने वालों के ध्यान में अधिक आ जाते हैं और प्रसंग विशेष के अनुकूल होने का वर्णन से की यथार्थता को बढ़ाते हैं। अब जैसे गिरधर, मुरारी, त्रिपुरारी, दीनबंधु, चक्रप्राण, दशमुख आदि ऐसे शब्द हैं जो वास्तव में नाम नहीं हैं परंतु इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कविताओं में किया जाता है। इससे कविता की कृत्रिमता कम होती है क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो नाम है वो तो कृत्रिमता के संकेत हैं। गुण इसीलिए कहीं कहीं पर कविता में गुणों का भी सहारा लिया जाता है। ऐसे शब्दों को चुनते समय प्रसंग या अवसर का ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे यदि कोई मनुष्य किसी दुर्धर्ष अत्याचारी के हाथ से छुटकारा पाना चाहता हो तो उसके लिए हे गोपिका रमन, हे वृंदावन बिहारी आदि कहकर पुकारने की अपेक्षा हे मुरारी, हे कंस निकंदन आदि संबोधनों से पुकारना अधिक उपयुक्त है। मतलब जब आप किसी से सहायता मांग रहे हैं तो उनके थोड़ा सा उस रूप को आप बुलाएंगे, उस रूप को पुकारेंगे जिससे उनके उस गुण का परिचय मिले। क्योंकि श्री कृष्ण के द्वारा मुर और कंस आदि के दुष्टों को मारा जाना देखकर उनसे अपनी रक्षा हेतु आशा हुई है, ना कि उनके वृंदावन में गोपियों के साथ विहार करना देखकर, है ना। इस तरह की आपत्ति से उद्धार पाने के लिए कृष्ण को मुरलीधर कहकर पुकारने की अपेक्षा गिरिधर कहकर पुकारना अधिक संगत है।
अलंकार कविता में भाषा को खूब जोरदार बनाना पड़ता है, उसकी सब शक्तियों से काम लेना पड़ता है। कल्पना को चटकीली करने और रस परिपाक के लिए कभी कभी किसी वस्तु का गुण या आकार बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाना पड़ता है और कभी घटाकर। कल्पना तरंग को ऊंचा करने के लिए कभी कभी किसी वस्तु के रूप और गुण को उसके समान गुण धर्म वाली और वस्तुओं के सामने लाकर खड़ा करना पड़ता है। इस तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णन प्रणालियों का नाम अलंकार है। ध्यान दीजिए, रामचंद्र शुक्ल जी ने अलंकार की क्या परिभाषा बताई है। इस तरह की जो उपर्युक्त बताई गई है, इस तरह की भिन्न भिन्न प्रकार वाली वर्णन प्रणाली, अलंकार को क्या कहा? वर्णन प्रणाली। वर्णन प्रणाली का नाम अलंकार है और इनका उपयोग काव्य में प्रसंगानुसार विशेष रूप से होता है। इससे किसी वस्तु के वर्णन में बहुत सहायता मिलती है। कहीं कहीं तो इसके बिना कविता का काम ही नहीं चल सकता, परंतु इसे ये ना समझना चाहिए कि अलंकार ही कविता है। ये अलंकार बोल चाल में भी रोज आते हैं। जैसे लोग कहते हैं, जिसने सालग्राम को भून डाला उसे भांता भूनते क्या लगता है। इस काव्यार्थ पत्ति, इसमें काव्यार्थ पत्ति अलंकार है। क्या हमसे बैर करके तुम यहाँ टिक सकते हो? इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। कई वर्ष हुए अलंकार प्रकाश नामक पुस्तक के कर्तव्य में का एक लेख सरस्वती में निकला था। उसका नाम था कवि और काव्य। उसमें उन्होंने अलंकारों की प्रधानता स्थापित करते हुए उन्हें काव्य का सर्वस्व मानते हुए लिखा था कि आजकल के बहुत से विद्वानों का मत किसी विदेशी भाषा के प्रभाव से काव्य के विषय में कुछ परिवर्तित दिख पड़ता है। वे महाशय सर्वलोकमान्य साहित्य ग्रंथों में विवेचन करते हुए व्यंग अलंकार युक्त काव्य को उत्कृष्ट ना समझकर केवल सृष्टि वैचित्र का वर्णन में काव्यत्व समझते हैं। यदि ऐसा है तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। रस और भाव ही कविता के प्राण हैं। पुराने विद्वान रसात्मक कविता को ही कविता कहते थे। रसों तथा मनोविकारों की यथेष्ट परिपाक ही की ओर उनका ध्यान अधिक था। अलंकारों को वे आवश्यकता अनुसार वर्णित विषय को विशेषतया हृदयंगम करने के लिए ही लाते थे। यह नहीं समझा जाता है कि अलंकारों के बिना कविता ही हो ही नहीं सकती। स्वयं काव्य प्रकाश के कर्तव्य मम्मटाचार्य ने बिना अलंकार के काव्य का होना माना है और उदाहरण भी दिया है। तद 200 शब्दार्थ सगुणा बलनंकृति पुनः क्वापि। किंतु पीछे इन अलंकारों में ही काव्यत्व मान लेने से कविता अभ्यास गम्य और सुगम्य पर प्रतीत होने लगी। इसी से लोग उसकी ओर अधिक झुक पड़े। धीरे धीरे अलंकारों के लिए आग्रह बढ़ने लगा। यहाँ तक कि चंद्रालोककार ने लिख डाला, अंगीकरोत यह काव्यम शब्दार्थ वन अलंकृति, असौ न मन्यते कस्माद नुष्ण मन अलंकृति। अर्थात जो अलंकार रहित शब्द और अर्थ को काव्य मानता है, वह अग्नि को उष्णता रहित क्यों नहीं मानता? परंतु यथार्थ बात कब तक छिपाई जा सकती है? इतने दिनों पीछे समय ने फिर पलटा खाया। विचारशील लोगों पर यह बात प्रकट हो गई कि रसात्मक वाक्यों ही का नाम कविता है और रस ही कविता की आत्मा है। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी के रसवादी होने का लक्षण प्रकट होता है। वो अलंकार को कविता का की शोभा तो मानते हैं, लेकिन रस को कविता की आत्मा मानते हैं। इस विषय में पूर्वोक्त ग्रंथाकार महोदय को एक ही बात कहनी थी, पर उन्होंने नहीं कही। वे कह सकते थे कि सृष्टि वैचित्र वर्णन भी तो स्वाभाविक स्वाभावोक्ति अलंकार।
इसका उत्तर यह है कि स्वाभाविक और स्वभावोक्ति अलंक को अलंकार मानना उचित नहीं, वह अलंकारों की श्रेणी में आ ही नहीं सकती। वर्णन करने की प्रणाली का नाम अलंकार है। जिस वस्तु को हम चाहें उस प्रणाली के अंतर्गत करके उसका वर्णन कर सकते हैं, किसी वस्तु विशेष से उसका संबंध नहीं। यह बात अलंकारों की परीक्षा से स्पष्ट हो जाएगी। स्वभावोक्ति अलंकार में वर्ण्य वस्तु का निर्देश है, परंतु वस्तु निर्वाचन अलंकार का काम नहीं है। इससे स्वभावोक्ति को अलंकार मानना ठीक नहीं है। उसे अलंकारों में गिनने वालों ने बहुत सर खपाया है, पर उनका निर्दोष लक्षण नहीं कर सके। काव्य प्रकाश के कारिकाकार ने उसका लक्षण लिखा है। अब देखिए, यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि स्वभावोक्ति को अलंकार मानना ठीक नहीं है। स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादे स्वक्रिया रूप वर्णनम, अर्थात जिसमें बालकादिकों की निज की क्रिया का रूप का वर्णन हो, वह स्वभावोक्ति है। बालकादि कहने से किसी वस्तु विशेष का बोध तो नहीं होता नहीं। इससे यही समझा जा सकता है कि सृष्टि की वस्तुओं के व्यापार और रूप वर्णन स्वभावोक्ति है। इस लक्षण में तो अतिव्याप्ति दोष के कारण अलंकारकता नहीं है। अलंकार सर्वस्व के कर्तव्य राजानक रुय्यक ने इसका यह लक्षण लिखा है। सूक्ष्म वस्तु स्वभाव यथा विद्वत वर्णनम स्वभावोक्ति, अर्थात वस्तु के सूक्ष्म स्वभाव का ठीक ठीक वर्णन करना स्वभावोक्ति है। आचार्य दंडी ने अवस्था की योजना करके यह लक्षण लिखा है। नाना अवश्यम पदार्थानां रूपं साक्षाद् विवर्णवती स्वभावोक्तिश्च जातिश्च इत्याद्या सालंकृतिर् यथा। बात यह है कि स्वभावोक्ति अलंकार के अंतर्गत आ ही नहीं सकती, क्योंकि वह वर्णन की प्रणाली नहीं किंतु वर्ण वस्तु का विषय है। जिस प्रकार एक कुरूपा स्त्री अलंकार धारण करने से सुंदर नहीं हो सकती, उसी प्रकार अस्वाभाविक भद्दे और क्षुद्र भावों को अलंकार स्थापना सुंदर और मनोहर नहीं बना सकती। महाराज भोज ने भी अलंकार को अलमर्दमल करता, अर्थात सुंदर सुंदर अर्थ को शोभित करने वाला ही कहा है। इस कथन से अलंकार आने से पहले ही कविता की सुंदरता सिद्ध करता है, अतः उसे अलंकारों में ढूंढना भूल है। अलंकारों से युक्त बहुत से ऐसे काव्योदाहरण दिए जा सकते हैं जिनको अलंकारों के प्रेमी लोग भी भद्दा और नीरस कहने में संकोच ना करेंगे। इसी तरह से बहुत से उदाहरण भी दिए जा सकते हैं जिनमें एक भी अलंकार नहीं, परंतु उनके सौंदर्य और मनोरंजकत्व को भी सबको सब स्वीकार करेंगे। जिन शब्दों से मनुष्य के चित्त में रस का संचार ना हो, उसकी मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, वे कदापि काव्य नहीं। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जिन वाक्यों से मनुष्य के चित्त में रस का संचार ना हो, उसकी मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, वे कदापि काव्य नहीं। अलंकार शास्त्र की कुछ बातें ऐसी हैं जो केवल शब्द चातुरी मात्र हैं, उसी शब्द कौशल के कारण वे चित्त को चमत्कृत करती हैं। उनसे रस संचार नहीं होता। वे कान को चाहे चमत्कृत करें, पर मानव हृदय से उसका विशेष संबंध नहीं। उनका चमत्कार शिल्पकारों की कारीगरी के समान सिर्फ शिल्प प्रदर्शन में रखने ही योग्य होता है। हर्ष की बात यह है कि ऐसी रचना अपने उचित स्थान पर पहुंच गई। सुनते हैं कि नागपुर की शिल्प प्रदर्शनी में चित्र काव्य के बहुत अच्छे नमूने आए थे।
अलंकार है क्या? वस्तु। विद्वानों ने काव्यों के सुंदर सुंदर स्थलों को पहले सुना, फिर उनकी वर्णन शैली के सौंदर्य का कारण ढूंढा, तब वर्णन वैचित्र के अनुसार भिन्न भिन्न लक्षण बनाए। जैसे विकल्प अलंकारों को पहले पहल राजानक रुयक ने ही निकाला है। अब कौन ये कह सकता है कि काव्यों के जितने सुंदर स्थल थे वे सब ढूंढ डाले गए अथवा जो सुंदर समझे गए? जिन्हें लक्ष्य करके लक्षण बने, उनकी सुंदरता के कारण कही हुई वर्णन प्रणाली ही थी। अलंकारों के लक्षण बनाने तक काव्यों का बनना नहीं रुका रहा। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने मानसात प्रतिष्ठाम त्वम गमा शाश्वती समा का उच्चारण किसी अलंकार को ध्यान में रखकर नहीं किया। अलंकार लक्षणों के बनने के बहुत पहले कविता होती थी और अच्छी होती थी, अथवा यूं कहना चाहिए कि जब इन अलंकारों को हठात लाने का उद्योग होने लगा तब से कविता कुछ बिगड़ चली। बहुत बढ़िया लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। उन्होंने ये कहा है कि पहले कविता की रचना हुई, बाद में उसके सुंदर सुंदर स्थलों को ढूंढकर उनकी सुंदरता का कारण पता किया गया और उन कारणों के लक्षणों को अलंकार नाम दे दिया गया। जब अलंकार नहीं ढूंढे गए थे, कविता तो उससे पहले भी होती थी और अच्छी होती थी। और वो ये कहते हैं कि जब आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने मानसात प्रतिष्ठाम त्वम गमा शाश्वती समा का उच्चारण किया था, वो भी किसी अलंकार को ध्यान में रख के नहीं किया था, बल्कि रामचंद्र शुक्ल जी ये कहते हैं कि जब से कविता में अलंकारों को हठात लाने का उद्योग होने लगा तब से कविता में कुछ बिगाड़ जरूर हुआ। तो ये था रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध कविता क्या है। आपको इसमें कुछ और पूछना हो, कोई कुछ और जानना हो तो कमेंट में बताइएगा। और प्लीज़, क्योंकि आगे भी मुझे निबंध और आपके लिए वीडियोस लेकर आने हैं, तो अपने कमेंट्स के द्वारा बताते रहिएगा कि आपको कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और मैं हर बार ये कहती हूँ, लाइक करने में सिर्फ एक बटन आपको दबाना होता है। मैं बहुत सारी मेहनत करती हूँ आपके लिए, तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने वाली हूँ। लाइक कर दिया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।